तो दोस्तों अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें बोलने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि पहले मैं बहुत काम किया करता था लेकिन अब नहीं, या फिर पहले मैं बहुत तेज भागा करता था लेकिन अब नहीं, या फिर पहले हम 7-8 रोटी खाया करते थे लेकिन अब नहीं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बोलते हैं पहले ये किया करता था लेकिन अब नहीं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करें चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपको यूज़ करना है अर्लियर और बट नो लॉन्गर। ये देखिए आप किस तरह से इन्हें यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है अर्लियर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको यूज़ करना है यूज्ड टू। यूज्ड टू को यूज करने के बाद आपको यूज़ करना है अपना वर्ब, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और सबसे लास्ट में आपको लिखना है बट नो लॉन्गर नाउ। बट नो लॉन्गर नाउ आपको लास्ट में लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तब इसका जो मीनिंग है वो निकलेगा पहले किया करता था लेकिन अब नहीं। तो चलिए इसे एग्जांपल्स की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल, पहले हम 7 रोटियां खाया करते थे लेकिन अब नहीं। अर्लियर वी यूज्ड टू ईट 7 लॉव्स बट नो लॉन्गर नाउ। अब यहाँ पर देखिए अर्लियर सबसे पहले स्ट्रक्चर से वी आपका इसमें सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपका सेम जो स्ट्रक्चर से है वो आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पहले वो बहुत तेज भागा करता था लेकिन अब नहीं। अर्लियर ही यूज टू रन वेरी फास्ट बट नो लॉन्गर नाउ। नेक्स्ट देखिए, पहले मैं स्कूल जाया करता था लेकिन अब नहीं। अर्लियर आई यूज टू गो टू स्कूल बट नो लॉन्गर नाउ। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे आज के सवाल की, जो कि आपको इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक दिया जाएगा। तो आज का सवाल है, पहले मैं इंग्लिश बोला करता था लेकिन अब नहीं। तो इसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारी एडवांस इंग्लिश की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए, वहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू।